के दौरान जो ये जो नोटों का छानना है ये बहुत ज्यादा हो गया। मुझे अगर फकीर को बुलाना है तो ये अंदाज अब आपने मेरे साथ ना करना, ये आपकी मेहरबानी होगी। आज एक बात मैं करना चाहूंगा, इसको रिकॉर्ड कर ले। देखिए नाथखानी में अभी हमें नाथखानी तकरीबन ढाई घंटे मैं पढ़ता रहा और लोग सुनते रहे, आप भी सुनते रहे, एक सुर आया मजा आता। मैंने नोट किया है पिछले दो तीन सालों में, बल्कि पिछले साल से तो मैं ज्यादा नोट कर रहा हूं कि देखिए मैं सबसे पहले ये बहस कर दूं कि मैं कोई जायज या नाजायज के मसले पर गुफ्तगू नहीं कर रहा, ना मैं इसको नाजायज कहता हूं। लेकिन ये जो एक नात खां पर नात के दौरान जो ये जो नोटों का छानना है ये बहुत ज्यादा हो गया, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, और इस कदर ज्यादा हो गया है कि यकीन जानिए मैं भी अंदर से पढ़ रहा हूं ना तो बिल्कुल मजा नहीं आता। कई लोग बदमाश भी कर लेते हैं कि ज्यादा मिलता है ज्यादा पढ़ता है, अब अल्लाह ही जानता है दिल का हाथ अल्लाह जानता है, हमें हुक्म नहीं है बदगुमानी करने का। तो मैं खुद भी बाहर आ काफी वक्त से ये मैं महसूस कर रहा हूं और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मेरी नफिलें ऐसी बहुत कम है कि मेरी नफिल में अगर फर्ज करें मैं अगर साल में अगर 100 नफिले कर रहा हूं तो मैं कहा 15-20 नफिले ऐसे होंगी इसमें इस ज्यादा होता है। तो पिछले महीने में पिछले हफ्ते में एक गया था पंजाब में तो वहां बहुत ज्यादा हो गया था, तो मैंने उनसे कह दिया कि भाई अब की बार अगर आपको मुझे बुलाना हो तो ये सिस्टम खत्म करना होगा। मैं नाजायज या जायज की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी तबीयत को अब ये जरा अच्छा नहीं लगता और वो जो अंदाज किया ना वो बड़ा एक गैर मुनासिब सा अंदाज नहीं कह सकते, नाजायज या हराम वो हम उसको नहीं कह सकते, इसकी दलील चाहिए, यूं कह सकते गैर मुनासिब। और वहां पंजाब में तो उलमा तकरीर कर रहे होते तो उन पर भी यूं चला जाता, देख रहा हूं। तो मैं किसी पर ना तंकीद कर रहा हूं ना किसी के लिए बात कर रहा हूं, मैं इसे अपनी जात की बात कर रहा हूं कि मैं पिछले कई जगह ये कह के आया हूं और अब मैं ये ऐलान कर रहा हूं कि भाइयों मुझे अगर फकीर को बुलाना है तो ये अंदाज अब आपने मेरे साथ ना करना, ये आपकी मेहरबानी होगी। हमारे बुजुर्गों के सामने हमने नाते पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह और उन्होंने हमें नजराने दिए अल्लाह की समझ और इस अंदाज से दिए कि एक अंदाज होता था, लोग आते थे उनके 10 बरसते थे उनकी 10 पूछी करते थे वो रख लेते नाथ खानी कदम होती थी वो उठा कर नाथ दे देते। ये मैं दिलाने की तरकीब भी देता हूं, मैं बता रहा हूं कि ये भी तरीका है, अगर किसी को मोहब्बत में देना होता है तो ये भी तरीका होता है, अच्छा तरीका होता है। अब ये उछाल के देना ये कोई फर्ज या वाजिब नहीं, आपको अच्छा लगता है आपका जोक है लेकिन आप अगले का भी जोक देखें। तो मैं कम से कम अपने जो मुहिबीन हैं जो मेरी महफिलें करवाते हैं मैं उनसे ये हाथ जोड़कर दस्त बस्ता करता हूं कि अब मेरे लिए मुझे आप उसको मुझे माजू समझें और मुझ पर अब जो ना ये नोटों का जो छानना ना आप मुझ पर बंद कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी और मैं यही अर्ज कर सकता हूं। और अगर आपने बंद ना की तो फिर शायद कि मैं खुद ही किनारकशी करूं और उस जगह से जाना छोड़ दूं कि जहां ऐसा लोग नहीं मानते, यही एक हल है। और इतना सुकून से सुनेंगे तो नाथखानी का एक मजा भी आएगा, एक अब जब भी देखें नाथखानी आप कितनी भी सुनते हैं मेरी हर डिफिल में तो ऐसा नहीं होता, ऐसे नोटे नहीं चल जाते, कभी कभी ऐसा होता है लेकिन वो मैं अपने जिसमें ये चीजें नहीं होती, नोट का उछालना करना ये चीजें नहीं होती। तो आपने देखा होगा किसी एक सुरूर सा एक बना हुआ होता है, मजा आता है पढ़ने का सुनने का मजा आता है। और बस अवकत लोग वीडियो देख रहे होते हैं तो वीडियो देखने वाले भी कहते हैं यार कि इनकी वजह से हमारा मजा जो ना वो किटड़ा हुआ है। तो मैं बड़ी फिर माजत के साथ बात कर रहा हूं, मेरा मकसद किसी पर तंकीद नहीं, हमारे बुजुर्ग में मैंने कई देखे उड़ाते हैं, मैं उनको नजायज या हराम नहीं कहता, बड़े बड़े बुजुर्ग हैं मैंने नाम लेना चाहता, बड़े बड़े बुजुर्ग हमारे जो खुद वो उड़ाते हैं तो मैं उनको कोई हराम या हलाल कोई भी किसी चीज मैंने फतवा लगाया ना, मैं उनको बुरा समझता हूँ ना उनको मैं नजायज समझता हूँ, बस ये है कि मुझे जरा मुनासिब नहीं लगता अपनी जात पर, तो उससे मेरी जात पर ही लीजिएगा, इसको मिस यूज ना कीजिएगा और इस वीडियो को एक पॉजिटिव वे में लीजिएगा, इसको नेगेटिव वे में ना लीजिएगा। और बराए करम अगर आपने अगर ऐसी कोई बात करी या ऐसा कोई मामला किया इसको यूज करने की तो इससे बदगुमानियां और पैदा होंगी, आपस में नाइतफाक के बढ़ेंगे। तो खुदा का वास्ता
अल्लाह को मुंह दिखाना है, मर के इंसान नहीं बन जाऊं, आप बन जाए, और प्लीज अब ये मेरे लिए हम इसको खत्म कर दें। बाकी नाथखां जितने भी हैं वो चाहें तो जी, जो और जो मतलब के नाथखां हैं वो आप, मैं उनके मुतालिक कुछ नहीं कहता, उनको चाहें दें उड़ाएं, मैं अपने लिए मना करता हूं। हाँ, अगर आपने बड़ी ही मोहब्बत दिखानी है तो हमारे यकीन करें मदारिस हैं, हमारे दारुल उलूम हैं, हमारे दीन के और भी कई काम जो हमें करने हैं, यकीन जानिए वहां बहुत ज्यादा जरूरत है इन चीजों की। ये पैसों की जरूरत बहुत ज्यादा वहां पे है, आप खुदा के लिए वहां का रुख करें और इस तरह मुझ पर देने की बजाय आप वहां पे दिया करें, किसी अच्छे मदरसे में दे दिया करें, किसी दारुल उलूम में दे दिया करें, कोई किताब छप रही हो, कोई छाप रहा हो, अच्छी किताब हमारा कोई छापने वाला हो, कोई आलिम दीन हो, उसको जरूरत हो उसको दे दिया करें, तो ये मुझे ज्यादा खुशी होगी। अल्लाह ताला मेरी इन बातों को समझने और अमल पैरा होने की आप लोगों को तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैरा फिद्दारे, जज़ाकल्लाह खैरा फिद्दारे।